नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बेसन और उबले हुए अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और रेसिपी कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के लाइक का गोल रखते 500। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 1 कप बेसन और 4 उबले हुए अंडे। अंडे को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, इस तरीके से हमें काट लेना है अंडे को। पहले तो मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बेसन में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ड्राई मसाले में हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी। सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बारी में पानी नहीं डालेंगे हम। बैटर हमारा तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितना पतला और कितना गाढ़ा है। अब हमें ये करना है, इसमें हमें डीप करते हुए अंडे को सीधा कढ़ाई में डालना है। तो इस तरीके से हम लेंगे, आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम डीप करेंगे और उठा के हम डायरेक्ट तेल में डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है तेल। तेल जब हमारा मीडियम गर्म हो, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे हम बेसन में डिप करते हुए अंडे को कढ़ाई में डालेंगे। लेकिन गैस का फ्लेम अभी हम डालते टाइम लो पे रखेंगे। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हमें डालना है। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम में हम 1 मिनट एक तरफ फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम सभी पकोड़े को पलट देंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम करके इसे फ्राई करना है। 2 मिनट बाद हम पलट देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट हो गए, पकोड़े हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आए हैं। तो मीडियम फ्लेम में हमें इसे 5 से 6 मिनट टाइम लगे फ्राई करने में। तो इसी तरीके से मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी। डालते टाइम हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।